डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्लास सेवन का साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर फाइव, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बदलाव जो है हमारे आसपास में जितने भी बदलाव होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो फिजिकल होते हैं या फिर केमिकल होते हैं। फिजिकल जिसको भौतिक चेंज कहते हैं, भौतिक बदलाव कहते हैं, और केमिकल मतलब रासायनिक बदलाव कहते हैं। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास में रोजाना कई तरह के बदलाव देखते हैं। दिस चेंजेस मे बी इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। इस बदलाव में एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस शामिल होते हैं, कई चीज़ें मिलकर जो है बदलाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। अगर आपकी मम्मी एक कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोलती है तो आप उसमें शुगर मिलाते हैं और उसको घोलते हैं। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। शुगर सॉल्यूशन, चीनी का ये जो सॉल्यूशन बनता है वो एक बदलाव है। सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। उसी तरह से दूध से दही बनना भी एक बदलाव है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर, और कई बार जो है कभी कभी दूध जो है खट्टे हो जाते हैं, ये भी एक बदलाव है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज, तो दूध खट्टा हो जाना भी बदलाव है। स्ट्रेचिंग रबर, स्ट्रेच रबर देन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज। और रबर का जो बैंड होता है, जो छल्ला होता है, उसको जो हम खींचते हैं वो बड़ा हो जाता है, वो भी एक बदलाव है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। अपने आसपास में जो बदलाव है उसमें से कोई 10 बदलाव को आप नोटिस कीजिए, उसको लिखिए। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम लोग इसकी एक्टिविटी को, इसकी गतिविधि को, बदलाव की गतिविधि को हम लोग पढ़ेंगे, और नेचर में, प्रकृति में किस प्रकार के चेंज होते हैं, इसके बदलाव की प्रकृति को हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार का चेंज है। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। ये दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। या तो भौतिक बदलाव होते हैं या फिर रासायनिक बदलाव होते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेपर को काट के दिखाया गया है, इसके बारे में क्या बतला रहा है। यहाँ पे पिक्चर 5.1 यहाँ पे आगे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 5.1 फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में बता रहा है। इस एक्टिविटी में कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पेपर लेते हैं और उसको स्क्वायर पीस, मतलब बिल्कुल बीच से चार टुकड़ा में काट देते हैं। कट इच स्क्वायर पीस फर्दर इन टू 4 स्क्वायर पीसेस। अब जो चार टुकड़े कट गए हैं, यहाँ पे देखिए ये चार टुकड़े हुए हैं, और चार टुकड़े कटने के बाद फिर से इसको जो स्क्वायर पीस है उसको फिर से चार टुकड़ा करना है। इस तरह से सभी को चार चार टुकड़ा करते जाना है। ले दिस पीस ऑन द फ्लोर और ए टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। और फिर इस कटे हुए पेपर को या तो जमीन पे या फिर किसी प्लेन टेबल पे जो है हम बिछा देंगे, और हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल उसका फॉर्म था उसी तरह से हमें मिल जाता है, दिखाई देता है। हालांकि जो है कटा हुआ पार्ट जो है ये तो कट गया, अब जुड़ नहीं सकता, लेकिन उसका शेप जैसा था बिल्कुल वैसे ही आप मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके गुण में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी पेपर था अब भी पेपर है। ऑब्वियसली यू कैनॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। तो निश्चित रूप से आप जो है फट गया है वो, कट गया है, तो फिर वो आप उसको जोड़ नहीं सकते। बट इज देर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी, लेकिन उसके प्रॉपर्टी, उसके गुण में बदलाव नहीं हुआ ऑफ द पेपर। तो क्या उसके गुण में बदलाव हुआ है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो नहीं हुआ, ठीक है। पहले पेपर था अभी पेपर है। एक्टिविटी 5.2 बतला रहा है, करेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। ये ब्लैक बोर्ड जो होता है उस पर चॉक से लिखा जाता है, लिखा जाता है तो उतना चॉक का जो डस्ट होता है वो नीचे जमा होते रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि आप उस डस्ट को उठा लीजिए और क्रश स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर जो है आप उस तरह से, वहाँ पे अगर डस्ट आपको नहीं मिलता है तो आप एक छोटा चॉक का टुकड़ा ले लीजिए और उसको चूर्ण बना लीजिए, उसको पीस दीजिए, डस्ट के रूप में बना दीजिए। एड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट, और फिर थोड़ा सा पानी उसमें, उस डस्ट में मिला दीजिए और उसको पेस्ट बना दीजिए। और रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। उसके बाद जो है जैसा चॉक रहता है पहले से, उस तरह से आप उसको बेलनाकार बना दीजिए और फिर इसको सूखने के लिए दे दीजिए। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, तो फिर उस डस्ट से आप देखेंगे कि आपको फिर से चॉक प्राप्त हो जाता है।
हालांकि कम्प्लीटली वैसा सेफ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो है उसी तरह का रहेगा। एक्टिविटीज, एक्टिविटी 5.3, दूसरा एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, एक गिलास में या प्लास्टिक के गिलास में या जो नॉर्मल गिलास घर में होता है उस तरह का गिलास में आप बर्फ़ के टुकड़े ले लीजिए। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, तो उसको जो है आप धूप में थोड़ा रख के मतलब उसको मेल्ट कर लीजिए, उसको गला लीजिए। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब जो है थोड़ा गल जाए तो क्या होगा, उसमें पानी भी रहेगा और बर्फ भी रहेगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, और उसको जो है फिर आप फ्रिज में रख लीजिए। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, और फिर जो है वो पानी जो है फिर से आइस की तरफ जम जाएगा। तो इस तरह से हम आइस को फिर से रिटर्न पा सकते हैं। एक्टिविटी और भी दिया हुआ है, बॉइल सम वाटर 5.4 में है, इन ए कंटेनर, एक बर्तन में आप पानी को बॉइल कीजिए मतलब उबाल लीजिए, उबालिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, अब देखेंगे कि पानी का जो सतह है उसमें से स्टीम भाप जो है वो निकल रहा है, लगातार निकल रहा है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, मतलब पानी जो उबल रहा है उससे जो भाप निकल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है एक बर्तन ना लगा दीजिए वहाँ पे। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, तो उस बर्तन के इनर सरफेस में अंदर में आप क्या देखते हैं, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, दिए क्या आप वहाँ पे कुछ पानी की बूंदे देखते हैं, तो वहाँ पे आपको पानी की बूंदे ही दिखाई देगी। भाप जब ठंडा होता है तो उसको तो वह जो है फिर से पानी बन जाता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, आप कहीं पे पढ़े होंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी और भी दिखाया गया है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सावधानी बरतने के लिए कह रहा है, क्योंकि आप कुछ भी गर्म करने वाला चीज़ जो होता है वहाँ पे आपको आग का ज़रूरत पड़ता है, फायर का ज़रूरत पड़ता है, तो आप फायर से सावधान अलग दूर रहकर काम करें। होल्ड ए यूज हैक्सो ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टंग, हैक्सो ब्लेड जो होता है जिससे छड़ काटा जाता है, छड़ काटा जाता है या लकड़ी भी काट सकते हैं, बांस वगैरह काट सकते हैं। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर ए मिनट, आप टंग का यूज़ कीजिए, टंग मतलब चिमटा, चिमटा से आप पकड़ लीजिए उस ब्लेड को और फिर जो है उसके एक भाग को जो है उसके एक छोर को आप गैस पे रखें, कुछ मिनट रखें। जज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, अब देखेंगे कि ब्लेड का टिप जो है उसका अगला हिस्सा जो जिसको हम गैस में रखे हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज होता है, रेड हो जाएगा। अगर आग में हम किसी लोहे को रखेंगे कुछ समय तक तो वो रेड हो जाएगा, बिल्कुल हीट हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, और फ्लेम से जो है उस ब्लेड को फिर से हटा देना। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, और फिर आपको देखना है कि अब उसका कलर कैसा है कुछ देर बाद जो है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, और फिर थोड़ी देर में जब वो ठंडा होता है तो फिर वो उसका कलर जैसा था वो वैसे ही हो जाएगा। इन एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2 अबव यू सो दैट पेपर एंड ए पीस ऑफ चॉक, तो एक्टिविटी 5.1 और एक्टिविटी 5.2 में आपने देखा कि कागज और चौक का टुकड़ा अंडरवेंट चेंज इन साइज, उसके साइज में उसके आकार में जो है बदलाव आया, पेपर जो था वो छोटा छोटा टुकड़ा चेंज हो गया और पीस ऑफ चौक जो चौक का जो टुकड़ा था वो जैसा था उसी तरह से तो नहीं बन पाया, थोड़ा सा बदलाव आ गया उसमें। इन एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ रस्टिंग का सामान दिया हुआ है, इसका मतलब रस्टिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आगे है एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4, इसमें क्या है, वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और दो एक्टिविटी जहाँ की 5.3 और 5.4 में दिखाया गया उसमें स्टेट उसकी अवस्था में फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड उसकी अवस्था में बदलाव आया, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बना और फ्रॉम गैस टू लिक्विड बना, भाप से वो फिर से लिक्विड बना, पानी बन गया। इन एक्टिविटी 5.5 द हैक्सो ब्रेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग, और 5.5 जो लास्ट एक्टिविटी में बताया गया उसमें क्या हुआ, कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, चेंज कलर ऑन हीटिंग, गर्म करने से उसका कलर में बदलाव आया। प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए इस तरह के गुणवत्ता जो जिसमें बदलाव आया उसके शेप
शेप, आकृति, साइज, आकार, कलर, उस रंग और उसकी अवस्था में जो बदलाव आया, जो चीज़ों में, इन सब में जो बदलाव आता है तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। उसको भौतिक गुण जो है उसका बना ही रहता है। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कि वस्तु के भौतिक गुणों में बदलाव आता है, वैसे बदलाव को, पदार्थ के वैसे बदलाव को फिजिकल चेंज कहते हैं, भौतिक बदलाव कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब है कि जो जो चीज़ हमने, जिसमें बदलाव आया है, उसमें जो कुछ भी बदलाव आया है उसको हम फिर से उसी तरह बना सकते हैं। जैसे कि कागज़ जो फट गया, जो टुकड़े हो गए, उसको हम जोड़ सकते हैं। हालांकि प्रॉपर रूप से हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको जोड़ा जा सकता है क्योंकि पेपर का रिसाइकल होता है। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस तरह के बदलाव में कोई भी नया चीज़ नहीं बनता। जो पेपर हमारे पास था वो अभी भी पेपर ही है। लेट्स नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। चलिए अब हम दूसरे बदलाव को जानते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 5.2 में केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को आपने देखा होगा, उसमें बदलाव होने की प्रक्रिया को आप देखे होंगे। फेमिलियर मतलब आप उससे परिचित होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगने की प्रक्रिया निश्चित रूप से आप देखे होंगे। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम। आयरन के टुकड़े को आप खुले में कुछ समय के लिए छोड़ दें तो आप क्या देखते हैं, ए एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। आप देखते हैं कि उस लोहे के टुकड़े में एक परत जमने लगती, ब्राउनिश कलर का, भूरे कलर का परत जमने लगता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। यही पदार्थ जो है वो रस्ट, जंग कहलाता है, और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन। आयरन आप देखे होंगे पार्क में, पार्क में आप देखे होंगे, या फिर फार्मलैंड्स, ये खेत वगैरह जो होता है वहाँ पे आयरन बेंचेस होता है, लोहे के बनी बेंच होता है लॉन पे या गार्डन में। तो लगभग कई सारे चीज़ें जो है आप आयरन के बने हुए देखे होंगे। कीप इन द ओपन गेट्स रस्टेड, और खुले में रखने की वजह से ये रस्टेड होते हैं, जंग लगता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द, बाहर में जब रहता है, अब शॉवल्स जो होता है, जिसको आम भाषा में सबल कहा जाता है, वो गड्ढा खोदने के लिए होता है, मोटा रड होता है। उसके बाद स्पेड हो गया, कुदाल हो गया, गैता हो गया, ये सब जो लोहे के बने हुए रहते हैं वो धीरे धीरे जो है उस पर जंग लगते रहता है। देखिए रस्टिंग की, रस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गया, ये सब जो है जितने भी लोहे के समान हैं ये सारे रस्टिंग चीज़ों को दिखाया गया। आगे जो है यहाँ पे एटमोसफेयर फॉर सम टाइम, वातावरण में हम कोई भी चीज़ को बाहर में रख देते हैं, लोहे का सामान, तो वो धीरे धीरे जंग लगने लगता है। इन द किचन इवेट आयरन पैन, तवा जिसको बोलते हैं, जिस पे रोटी बनाई जाती है, किचन में होता है, और इसको ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। अगर हम उसको बाहर रख देते हैं, उस पर पानी लगता है, हवा लगता है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे रस्टेड होने लगता है, क्योंकि यूज़ होता रहता है इसीलिए उसका रस्ट पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो आग में जल जल के फिर वो समाप्त होता है, उसको धीरे धीरे पतला हो जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट जो होता है, जो जंग होता है, जो उस पर लगा हुआ, तो वो आयरन नहीं होता। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। तो ये आयरन नहीं होता, आयरन से ये अलग चीज़ होता है, डिफरेंट चीज़ होता है, जो कि आयरन पे डिपोजिट हो जाता, जमा हो जाता, जम जाता है। लेट्स कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो रस्टेड जो है, रस्ट जो है वो एक प्रकार का न्यू सब्सटेंस है। उसी तरह से और भी न्यू सब्सटेंस कहाँ पे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5.6 में लिया गया है, टू बी डेमोंस्ट्रेटेड बाय द टीचर। इस कार्य को, इस एक्टिविटी को टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। यहाँ पे सावधानी भी दिया गया है, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे जलाने की बात कहा जा रहा है, और जैसे मतलब ये जलता है, इसमें काफ़ी ब्राइट लाइट होता है, इसीलिए इसको
लंबे समय तक उस ब्राइट लाइट को खुली आंखों से नहीं देखना है। द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रेन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। तो इस रिबन को बच्चों के द्वारा नहीं जलाया जाना है, खतरनाक हो सकता है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिबन जो है उसका पतला स्ट्रिप लेना, पट्टी लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना क्योंकि काफ़ी ब्राइट लाइट करता है। क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर, इसके टिप जो है उसका अग्रभाग जो है उसको सैंड पेपर से उसको साफ करना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, और एक कैंडल जला के रखना है यहाँ पे, और फिर जो है इस पट्टी को जो है इसमें इसके पास लाना जलाने के लिए। इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट, बहुत तेज चमकीला लाइट इसमें आता है, यहाँ पे दिखाया गया है। फिर क्या होता है, लाइट दिखाया गया है, वो पिक्चर दिखाया गया 5.3 में। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एस, जब कम्प्लीटली वो जल जाता है तो अब देखेंगे कि उसके नीचे जो है एस मतलब राख बन के वो गिरा हुआ है, राख बन गया। डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, तो क्या मैग्नीशियम रिबन जैसा वो राख दिखाई देता है। द चेंज कैन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो राख जो है अब उस रिबन की तरह तो नहीं दिखेगा, राख जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा। अब इसमें बदलाव क्या आया, मैग्नीशियम जो रिबन था हमारे पास प्लस ऑक्सीजन ओ टू, ठीक है, जब कोई चीज़ जलता है मतलब जलने की जो प्रक्रिया होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जल सकता, इसीलिए ओ टू इसमें ऐड किया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड वो राख वो एस जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन रासायनिक फॉर्मूला जो होता है उसमें ओ टू लगाया जाता है जलने की प्रक्रिया में। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो इक्वेशन होता है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं उस तरह का ये इक्वेशन नहीं होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, इस तरह से अगर रहता है वो इक्वेशन हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है, यहाँ पे एक एरो होता है, ठीक है। ये इक्वल टू समझिए कि मैथ में जो इक्वल टू हम लोग लगाते हैं तो ये इक्वल टू यहाँ पे एक एरो होता है, ठीक है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, इसका मतलब होता है बिकम मतलब ये बनता है होता है, ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद ऐसा होता है, ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज, अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन को जो है हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस करने का जो प्रक्रिया है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, एट क्लास नाइन क्लास में आपको ज़्यादा बैलेंस करने की इक्वेशन जो है बैलेंस करने का आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसको जो डायरेक्ट दिखाया गया है वही आपको जानना है। कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उस एस को आपको लेना है और पानी में घोल देना है। स्टेट द मिक्सचर, इसमें आपको सोल्यूशन इस तरह से हिला देना है, चम्मच से घोल देना है। इक्वल सोल्यूशन, इसमें घोलने के बाद वेल बढ़िया से आपको घोल देना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, जैसे कि हम लोग एसिड वाले चैप्टर में, एसिड बेस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ब्लू लिटमस और रेड लिटमस का यूज किए थे, उसी तरह से यहाँ पे लिटमस पेपर लेना है और उस सोल्यूशन को, उस एस वाले सोल्यूशन को क्या करना है, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखिए यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है, आपको सोल्यूशन को टेस्ट करना है लिटमस पेपर पे, ये बेस है या एसिड है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक फॉर्मूला मैंने बताया था जिसमें ए बी आर दिया हुआ था, इससे पता चलता है कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और जो बेस होता है बी आर बी, ये जो होता है जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इससे पता चलता है। देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं बताया गया है, तो आगे कुछ नहीं बताया गया, तो इसमें क्या है अभी आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ऑन द बेसिक ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वाइज सोल्यूशन, तो ये जो घुला हुआ सोल्यूशन है ये जो है टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, जो पानी में जो घुला एस अब वो नया सब्सटेंस बन गया है। दिस चेंज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस बदलाव को जो है इस परिवर्तन को हम इस प्रकार इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आगे बताया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख था, एस जो है वो ये है MgO, ठीक है, प्लस वाटर जो है H2O है, इसका केमिकल नाम वाटर को H2O बोलते हैं, आने वाले
क्लास में आपको काफ़ी मिलेगा। और ये जो है दोनों को जब मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, MgOH2 ये बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फोर में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये मिक्सचर जो है क्या होगा, तो बेस है, तो BrB मतलब बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू बनाता है, ये रेड लिटमस को ब्लू बनाता है, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू, तो ये न्यू सब्सटेंस बनता है, दूसरा न्यू सब्सटेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट पेपर पेज पे, यहाँ पे सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिला देते हैं तो ये एक नया पदार्थ बनता है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और आगे एक्टिविटी दिया हुआ है, काफ़ी सारे एक्टिविटी है यहाँ पे पढ़ना है। 5.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये इस एक्टिविटी को टीचर के द्वारा ही दिखाया जाना चाहिए। डिजॉल्व अबाउट 1 टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विथड्रॉल कहते हैं, इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर, इन ए ग्लास, आधा कप पानी लेना है और उसमें डिजॉल्व करना है 1 चम्मच क्या कॉपर सल्फेट, उस पानी में डाल देना है, ग्लास टम्बलर या बीकर, ग्लास में या बीकर में टेस्ट ट्यूब जो होता है तो उसको बीकर कहा जाता है। एड ए न्यू ड्रॉप्स फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, और ये सब जो है जहाँ पे लैब होता है, साइंस का लैब जो होता है वहाँ पे ही ये सारा चीज़ मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका कुछ ड्रॉप जो है उस सॉल्यूशन पे डालना है, सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे डालना है। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, आप देखते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का हो जाता है। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है जो ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन बना यहाँ पे दिख रहा है, इसको किसी ग्लास में थोड़ा सा रख लीजिए, बाद में जो है उसको कलर जो इफेक्ट आया है उसको मिलाने के लिए, पहले जो कलर ब्लू था उसको देखने के लिए कि दूसरा कलर क्या चेंज हुआ, ये ग्रीन चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे रखने के बाद जो है क्या है, ड्रॉप ए नेल और ए यूज सेविंग ब्लेड इन टू द रिमेनिंग सोल्यूशन, रिमेनिंग सोल्यूशन मतलब थोड़ा सा रखने के बाद जो है जो दूसरा सोल्यूशन जिस बीकर में आप निकाले हैं उसमें आपको एक यूज ब्लेड मतलब ऑलरेडी जो खराब हो चुका है अब या फिर नेल कील जो है उसमें डाल दीजिए उस सॉल्यूशन में, वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, या फिर 1.5 घंटा जो है आप इंतज़ार कर लीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब जो है जिसमें आपने ब्लेड डाला हुआ था उस सॉल्यूशन को देखिए क्या हो रहा है कंपेयर इट विथ द कलर ऑफ द सैंपल, तो जो आपने पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो रखा हुआ था उसके उसमें और ये जिसमें आपने ब्लेड डाला हुआ है उस दोनों सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए वहाँ पे कंपेयर कीजिए दोनों में क्या बदलाव आया हुआ, क्या बदलाव आया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आगे, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन में आप कोई कलर में बदलाव देख रहे हैं, टेक आउट द नेल और द ब्लेड, वहाँ पे जो ब्लेड आपने डाला है उसको निकाल लीजिए, हैज इट चेंज इन एनी वे, इसमें कुछ बदलाव आया हुआ है, द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू ए रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, तो आयरन और कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन था उसमें उन दोनों में कुछ ये जो है रिएक्शन हुआ, उसमें कुछ रिएक्शन हुआ जिसके वजह से बदलाव आया, द चेंज ऑफ बदलाव आया और ये ग्रीन हो गया, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट का जो रिएक्शन हुआ जिसके वजह से वो सॉल्यूशन जो है ग्रीन हो गया, ये न्यू सब्सटेंस, वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बना, द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, तो जो ब्लेड था उस पर एक परत बैठ गया, उसमें कॉपर जो है उस पर आके चिपक गया, अनदर न्यू सब्सटेंस, ये जो है एक नया सब्सटेंस बना। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो इसको रासायनिक फॉर्मूले में हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब पानी में हमने 1 चम्मच जो है कॉपर सल्फेट मिलाया था तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना और वो ब्लू कलर का था, इसमें क्या हुआ प्लस आयरन, अब जो है उसको हम दूसरे बीकर में लेकर फिर उसमें हम जो है ब्लेड डाल देते हैं, मतलब आयरन चला गया उसमें, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो वो जो है आयरन जाने के बाद जो है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और ये ग्रीन कलर का हो गया कॉपर, और इसमें और एक चीज़ बना क्या कॉपर ब्राउन डिपॉजिट, कॉपर जो होता है ब्राउन होता है तो वो जो है उसमें ब्लेड पे
आगे चिपक गया, उसमें दिखाई दिया। एक्टिविटी 5.8। अब दूसरा एक्टिविटी यहाँ पे लिया जा रहा है, टेक अबाउट ए टी स्पून फुल ऑफ विनाइगर इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में एक चम्मच आपको विनाइगर ले लेना है। विनाइगर आप पढ़े हैं, एसिड चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और पिंच मतलब एक चुटकी जो है आप बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो है उसमें डाल दीजिए। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट। आप देखेंगे कि उसमें एक छिस सी आवाज़ निकलने लगती है और कुछ बबल्स बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले उठने लगते हैं और कोई गैस उसमें से आउट होता है, निकलता है। पास थिन गैस, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर एज शोन इन फिगर। और फिगर में कितना, कौन सा फिगर में दिखाया गया, 5.5। ये 5.5 फिगर कहाँ पे है, यहाँ पे 5.5 फिगर है, देख सकते हैं। ये जो है विनाइगर लिया गया और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया गया। अब इसमें छिस से आवाज़ किया और उसमें से बुलबुले उठे और कोई गैस निकल रहा है, तो ये इसमें पाइप लगा दिया गया, ठीक है। और आगे क्या हुआ है पढ़ने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे कमिंग आउट, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर एज सोन, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में क्या बदलाव आता है। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी, उसमें चूना, पानी में चूना आप घोल दीजिए। उसमें चैप्टर में, पिछले चैप्टर में बताया गया, अगर आप नहीं देखें वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है देखिए, लाइम वाटर जो है चूना पानी में मिला दिया जाए और उस पानी को थोड़ा देर रख दिया जाए, जब चूना नीचे बैठ जाए ऊपर से पानी को निकाल लिया जाए, ये लाइम वाटर है, ठीक है। उस पानी को आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखें और उसमें से एक पाइप निकालने के लिए कह रहा है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज, ये टेस्ट ट्यूब में क्या बदलाव आया, तो ये जो है केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लिखा गया है। विनाइगर लिए, एसिटिक एसिड, विनाइगर जो होता है एक एसिड होता है, प्लस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है वो हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है उसका, ये लिए। तो बना क्या, ये दो चीज़ यहाँ पे मिलाया गया, ठीक है। अब बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस अदर और दूसरे सब्सटेंस और भी बने हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, अभी इस क्लास में उतना आवश्यक नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे आवश्यक है वो चीज़ बताया दिया गया है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो, जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा उसको पाइप के द्वारा लाया गया है और लाइम वाटर में लाया गया है, उससे क्या होगा यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जो कि इस पाइप से निकल रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये, ठीक है। इस पाइप को इसमें डाला गया है, इससे जो गैस निकलेगा वो लाइम वाटर में जाएगा, तो यहाँ पे उसका रिएक्शन को दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर, ये मिलने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये चीज़ है CaOH2, इस तरह से ये बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका ये केमिकल नेम है CaCO3, ये बन रहा है प्लस वाटर H2O, ये है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, दूध के कलर का हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की एज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जांचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि लाइम वाटर में उसको डाल दिया जाए, तो जिससे कि लाइम वाटर जो होता है वो दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की वाटर बन जाता है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 6 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इन रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका जानकारी लेने के लिए इस तरह के टेस्ट को अपनाया गया है जो कि चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर 6 में इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से चेक किया जाता है। एक्टिविटी 5.6 से 5.8 तक यू शो दैट इन इट चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वेयर फॉर्म्ड, तो इस एक्टिविटी में आप लोग देखा 5.6 से 5.8 तक की एक्टिविटी में देखा कि कुछ नए सब्सटेंस, कुछ नए तत्व बन रहे हैं यहाँ पे। इन एक्टिविटी 5.6 द एस वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्नड, तो मैग्नीशियम को जब जलाया गया तो वहाँ पे आप लोग देखें 5.6 में कि वहाँ पे एक नया पदार्थ जो है बना। एक्टिविटी 5.7 में रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट को दिखाया गया आयरन के साथ, जहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर नया सब्सटेंस बना।
बोथ ऑफ दिज आर न्यू सब्सटेंस, दोनों जो है नए सब्सटेंस बने। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड और ऑफ आयरन, कॉपर जो है सेविंग ब्लेड पे आके डिपोजिट हो गया। इन एक्टिविटीज 5.8 विनाइगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और 5.8 एक्टिविटी में विनाइगर और बेकिंग सोडा को जब लिया गया उसको रिएक्शन कराया गया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से निकला, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की दूधिया कलर का बना दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन, क्या आप इस रिएक्शन में जो नए पदार्थ बने इस प्रक्रिया को आप कुछ नाम दे सकते हैं? तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जब इस तरह के वो एक या ज़्यादा पदार्थ बनते हैं इस प्रक्रिया से तो फिर ऐसे चेंज को, ऐसे बदलाव को रासायनिक बदलाव कहते हैं। द केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं। केमिकल्स चेंज, केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में केमिकल चेंज रासायनिक बदलाव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, इस तरह के जितने भी बदलाव हैं वो जिसमें कि नए पदार्थ बनते हैं वो केमिकल चेंज के रूप में होते हैं, कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना केमिकल चेंज है। इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो है केमिकल बदलाव भोजन का पचना है। रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, फल का पकना भी एक केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ये जो होता है ग्रेप्स अंगूर को जो होता है सड़ाकर उससे जो निकाला जाता है उसमें बदलाव किया जाता है, उसका शराब बनाया जाता है, इटीसी, इस तरह के और बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, इस तरह के जितने भी बदलाव हैं वो सारे केमिकल चेंज होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस बन जाते हैं। ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दवा जो बनता है वो कई बार इसमें रिएक्शन किए जाते हैं, कई बार बदलाव किए जाते हैं, तो फाइनल जो दवा हमारे पास पहुंचता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो केमिकल चेंज का ही नतीजा होता है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, इस तरह के बदलाव से जैसे कि प्लास्टिक भी बनते हैं केमिकल चेंज से ही, और डिटर्जेंट जिसको हम लोग यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, ये भी केमिकल रिएक्शन के बाद ही बन पाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज, जितने भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो काफ़ी खोजबीन के बाद केमिकल चेंज करने के बाद जो है ये बन पाते हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज, हमने देखा कि केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग मेनी एकम्पनी ए केमिकल चेंज, जो न्यू पदार्थ बनने में केमिकल रिएक्शन के दौरान कई तरह के इस तरह से बदलाव आ सकते हैं। देखिए यहाँ किस तरह के बदलाव जो संभावना है जो होता है वो चीज़ दिया गया है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व, या तो उसमें से हीट उष्मा निकल सकता है, रोशनी निकल सकता है, इस तरह का कोई विकिरण रेडिएशन अल्ट्रावायलेट हो सकता है, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है, इस तरह से वो या तो बाहर निकल सकता है या फिर अवशोषित हो सकता है। साउंड में भी प्रोड्यूस, मतलब है कि उसमें से साउंड निकल सकता है, जैसे कि हमने विनाइगर में बेकिंग सोडा डाला था तो उसमें हिसिंग की आवाज़ निकला था, चिस से आवाज़ किया था। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, इस तरह से उसमें कुछ स्मेल, उसमें गंध आ सकता है उससे, और ए न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ, या फिर नए गंध पैदा हो सकता है। ए कलर चेंज में टेक प्लेस, उसमें रंग में बदलाव आ सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है। ए गैस मे बी फॉर्म्ड, या फिर गैस भी उत्पन्न हो सकता है उससे। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, इस तरह का कुछ उदाहरण देखते हैं। यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज, आपने देखा कि मैग्नीशियम का जलाया जाना जो है एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कॉल, तो कोयले का जलाया जाना लकड़ी का, या लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, या पत्तियों को जलाया जाना ये जो है एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए केमिकल चेंज,
वास्तव में किसी भी चीज़ को जलाया जाना और उससे जो पदार्थ हमें मिलता है वो एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होने के बाद वो पदार्थ हमें मिलता है, तो जलना ही केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जलने से हमेशा ही हमें हीट की प्राप्ति होती है, गर्मी उससे निकलता है। आगे यहाँ पे एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। पटाखे का फटना जो है कि एक केमिकल चेंज है। फायरवर्क मतलब हो गया पटाखा, क्रैकर्स लिखा रहता है वो केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस। आपको पता है कि इस तरह का जो एक्सप्लोजन होता है, जो विस्फोट होता है, उससे हीट निकलता है, गर्मी निकलता है, रोशनी भी निकलता है, आवाज़ भी निकलता है और अनप्लीजेंट गैस, उससे गैस भी निकलता है जो कि अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए हमारे। दैट पोल्यूट द एटमोसफियर। अनप्लीजेंट गैस तो वो जो है एटमोसफियर वातावरण को दूषित करता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क्स। इसीलिए आपको हमेशा ये सलाह दिया जाता है कि आप पटाखे ना जलाएं। पटाखे कम से कम जलाने के लिए कहा जाता है दिवाली के त्यौहार में। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस ए फॉल स्मेल। जब भोजन खराब हो जाता है, स्पॉइल बासी होने के बाद, बासी होने से ज़्यादा उसका टाइम हो जाता है, 24 आवर से ज़्यादा होने लगता है, तो क्या होता है वो खराब हो जाता है, सड़ने लगता है और उसमें से एक खराब स्मेल आता है, फॉल दुर्गंध आने लगता है। शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज। तो क्या उसे केमिकल चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल वो केमिकल चेंज ही हुआ। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेब को जो काट के हम उसके टुकड़े को रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें थोड़ी देर बाद जो है उसमें उसका कलर जो होता है ब्राउन होने लगता है अगर हम तुरंत उसको खा नहीं लेते हैं। काटने के बाद तो वो व्हाइट कलर का रहता है, वो नेचुरल कलर में रहता है, उसको अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर उसका कलर तो चेंज होगा नहीं, और इसी तरह से खुला रख देते हैं तो उसमें कलर चेंज हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, अगर आपने इस तरह का बदलाव होते हुए नहीं देखा है, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर नहीं देखा तो आप एक फ्रेश एप्पल लीजिए और उसको काट के अब थोड़ा देर छोड़ दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। उसी तरह का एक्टिविटी आप कर सकते हैं, या तो अगर एप्पल नहीं है तो आप आलू काट के रख दीजिए या फिर ब्रिंजल ये बैगन को काट के रख दीजिए, तो आप उसमें वही बदलाव आप देखेंगे, उसमें जो कलर उसका ब्राउनिश होते जाता है। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो इस तरह का बदलाव जो होते जाता है इसका मतलब है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है, इसीलिए उसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है। आर यू दिस चेंज केमिकल चेंज, क्या आप जानते हैं कि ये केमिकल चेंज है? तो निश्चित रूप से ये केमिकल चेंज है। इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ बेस। और आपने पढ़ा है कि चैप्टर 4 में कि एसिड और बेस को रिएक्ट किया जाए तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसमें कुछ नए पदार्थ बन जाते हैं। इस तरह के जो न्यूट्रलाइजेशन जो है, उदासीकरण प्रक्रिया जो है, वो केमिकल चेंज है या नहीं? तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि उसमें नया पदार्थ बनता है, उसमें जो है सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड, सुरक्षा कवच बतला रहा है। यू मस्ट हैव हियर ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमोसफियर। हमारे वातावरण में आपने निश्चित रूप से सुना होगा, अवश्य सुना होगा, ओजोन लेयर है हमारे वातावरण में। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम सन। ये ओजोन लेयर जो है वो सन से आने वाली रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट जो है, पराबैंगनी किरणें जो है, उसको वो रोक देती है। ये काफ़ी हार्मफुल है, उससे हमें बचाती है। ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन लेयर जो है वो ओजोन रेडिएशन को वो रोक देता है और उसको चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, तोड़ के उसको ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ओजोन जो होता है, ओजोन O3 होता है, जबकि हमको O2 मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो ओजन से अलग होता है, वो उसमें केमिकल चेंज हो गया, केमिकल बदलाव हो गया। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजन ए केमिकल चेंज? क्या हम कह सकते हैं कि ओजन का टूटना जो है और ऑक्सीजन में बदल जाना, ये क्या केमिकल चेंज है? तो निश्चित रूप से ये केमिकल चेंज है। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेयर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय ओजन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजन द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जाता, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। और वो डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे वो
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंच जाता तो इसमें जितने भी जीव हैं उन सबको काफ़ी नुकसान होता या फिर जीव ही ना होते। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन लेयर नेचुरल शील्ड मतलब है कि सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है रेडिएशन के खिलाफ, उस रेडिएशन को चेंज कर देती है। आगे यहाँ पे बूझो पहली, इसके मन में क्या सवाल आ रहा है। वी लर्न द चैप्टर वन दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। कैन वी कॉल फोटोसाइंथेसिस इज ए केमिकल चेंज। जैसे कि बूझो यहाँ पे बतला रहा है, कुछ इसके दिमाग में सवाल आ रहा है कि जैसे कि हम लोग चैप्टर वन में पढ़ चुके हैं कि पौधे फोटोसाइंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो क्या फोटोसाइंथेसिस प्रक्रिया जो है वो केमिकल चेंज है? तो बिल्कुल केमिकल चेंज है, क्योंकि फोटोसाइंथेसिस में जो चीज़ें लेकर बनाया जाता है वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती, वहाँ पे कुछ नए चीज़ बन जाता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स जो है उसको लेकर के बनाया जाता है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है और स्टार्च बनता है। पहली क्या कह रही है, सेड दैट इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। क्या डाइजेशन पाचन क्रिया जो है वो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है? तो बिल्कुल दोनों ही, फोटोसाइंथेसिस और डाइजेशन जो है ये दोनों केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन दिया हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में जंग लगना। लेट्स गेट बैक टू रस्टिंग। फिर से हम लोग रस्टिंग में आते हैं, जंग लगने प्रक्रिया में आते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। यह एक इस तरह का बदलाव है, इस तरह का अफेक्ट प्रभाव है जिससे आयरन जो होता है, आयरन का आर्टिकल जो होता है धीरे धीरे वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। ठीक है, इससे जो है आयरन से ही कई सारी चीज़ें बनती, ब्रिज, पुल्स, बड़े बड़े पुल्स में आयरन का उपयोग होता है, सीप पानी वाला जहाज, कार हो गया, ट्रक का बॉडी हो गया, कार का भी बॉडी जो होता है उसको भी बनाया जाता है, एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आयरन का यूज होता है। द मॉनिटरी लॉस, तो इसमें जो होता है रस्टिंग होने के कारण ये सारी चीज़ें जो आयरन के बने होते हैं उसमें धीरे धीरे रस्ट होता है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है, तो इससे पैसे की काफ़ी लॉस होता है, बहुत नुकसान होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जंग लगने की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से, इस इक्वेशन के द्वारा हम समझ सकते हैं। आयरन जिसको Fe कहा जाता है, अभी आपको केमिकल नेम्स इस क्लास में नहीं दिया गया है, 8 क्लास या 9 क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, आयरन को Fe कहा जाता है, जिसको फेरिक कहा जाता है, प्लस ऑक्सीजन O2 हो गया फ्रॉम द एयर। O2 जो है ऑक्सीजन वातावरण जो है वातावरण से मिल जाता है। O2 में हम लोग ये पढ़ें कि O2 का मतलब होता है जलना। ठीक है, यहाँ आग से तो नहीं जल रहा है लेकिन O2 रिएक्शन होता है उसके साथ, और वाटर होता है फ्रॉम द एयर प्लस वाटर। ठीक है, इसमें H2O वाटर, आयरन में ऑक्सीजन मिला और वाटर मिला, दो चीज़ मिला। अब बना क्या, रस्ट। अब ये बन गया, जंग बन गया, आयरन ऑक्साइड। रस्ट को इस केमिकल नेम के द्वारा जाना जाता है, Fe2O3, ये जंग हो गया। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो रस्टिंग, जंग लगने की प्रक्रिया जो है वो इन दोनों की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन और वाटर। वाटर वेपर इज एसेंशियल, या फिर वाटर, अगर डायरेक्ट वाटर नहीं, वाटर वेपर भी हो सकता है, उससे भी जंग लगने में मदद मिलता है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, अगर वातावरण में नमी जो है वो ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड, मतलब है कि ह्यूमिड वही आर्द्रता बोलते हैं, नमी बोलते हैं। वातावरण में बारिश के समय में क्या होता है, वातावरण में नमी ज़्यादा रहता है, गर्मी के मौसम में नमी बहुत कम हो जाता है हीट की वजह से। रस्टिंग बिकम्स फास्टर, तो नमी जिस समय ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, उस समय क्या होगा, रस्टिंग जो है वो तेज़ी से होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलता है इसीलिए। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, पानी के कॉन्टैक्ट में, या दोनों के कॉन्टैक्ट में जब आता है तो क्या होता है, ये
रस्टिंग होने लगता है, जंग लगने लगता है। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो इसका साधारण सा उपाय है कि या तो उसमें पेंट चढ़ा दिया जाए, पेंट मार दिया जाए उस आयरन की वस्तु में, या फिर ग्रीस लगा दिया जाए। ग्रीस जो होता है वो पेस्ट के जैसा होता है, चिकना चिकना होता है, आप लोग देखे होंगे मशीन वगैरह में लगाया जाता है, उसमें घर्षण को कम करने के लिए मशीन में लगाया जाता है। इनफैक्ट दिस कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये जो है इसको रस्टिंग को ये रोकने में जो है हेल्प करता है और रस्टिंग जंग को नहीं लगने देता है। तो इसको समय समय पे करते रहना चाहिए, अप्लाइड रेगुलरली। समय समय लगे कि वो कम हो गया है, जब पेंट कम हो गया, ख़राब हो गया, तो फिर से पेंट मार देना पड़ेगा, और लगे कि उसमें ग्रीस कम हो गया है तो फिर से ग्रीस लगा लेना पड़ेगा, इसलिए रेगुलरली कह रहा है। अनदर वे इज़ टू डिपोजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और ऑन आयरन। या फिर एक दूसरा रास्ता है, उसमें कोई दूसरा मेटल चढ़ा दिया जाए, जो कि ये होता है लाइक क्रोमियम और जिंक, या तो क्रोमियम चढ़ा सकते हैं या जिंक चढ़ा सकते हैं, उसके परत को चढ़ा दिया जाता है आयरन पे, तो फिर उसका रस्टिंग जो होता है उसका प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो जाती है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, ओ दैट इज़ वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेन अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट सी लिव्स नियर द कोस्ट। पहली यहाँ पे बतला रहे हैं, पहली की एक सहेली है, उसकी सहेली रीता है, और उसका हमेशा ही ये शिकायत रहता है कि उसके जितने भी आयरन के सामान हैं वो तेज़ी से, मतलब जल्दी वो रस्टिंग हो जाते हैं, जंग लग जाता है। सी लिव्स नियर द कोस्ट, मतलब वो समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पे रहती है, तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो अधिक नमी होता है, उसमें मॉइस्चराइजर काफ़ी होता है, जिसकी वजह से वहाँ की वस्तुएँ, आयरन की जो वस्तुएँ होती हैं उसमें जल्दी रस्टिंग हो जाता है, जल्दी जंग लग जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। देखिए इस प्रक्रिया को जिंक या क्रोमियम जो आयरन पे परत चढ़ाया जाता है उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घरों में पानी के पाइप लगे होते हैं, पानी के लिए जो पाइप लगे होते हैं लोहे के, उसमें गैल्वेनाइज किया जाता है, जिंक के परत चढ़ाए हुए होते हैं, जिसके वजह से ये रस्टिंग नहीं होते। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। आप लोगों को पता होगा कि शिप जो है, शिप पानी का जहाज जो है, आयरन उसमें यूज होता है उसको बनाने में, और उसका एक काफ़ी बड़ा भाग जो होता है वो पानी में हमेशा डूबा रहता है, आयरन का ही पार्ट होता है जो कि पानी में डूबा रहता है, और पानी में डूबने से रस्टिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, और उसके ऊपर जो पार्ट होता है उसमें भी पानी पड़ता है, या तो वहाँ बारिश हो या फिर नमी वाला एटमोसफियर बन जाता है समुद्र के ऊपर में। वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लिंजिंग टू द शिप्स आउटर, मतलब वाटर ड्रॉप्स उसमें पड़ते हैं, आते हैं आउटर सरफेस, आउटर सरफेस बाहर का उसका जो पार्ट है उसमें भी पानी पड़ते हैं। मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कॉन्टेंस मेनी सॉल्ट, और समुद्र का पानी जो होता है उसमें कई तरह के नमक घुले होते हैं उसमें। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और नमकीन पानी जो होता है वो रस्टिंग की प्रक्रिया को और तेज कर देता है और तेज़ी से जंग लगने लगता है। देयरफॉर शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज, तो शिप जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, और फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बींग पेंटेड, पेंट लगाने के बाद भी उसमें, क्योंकि पानी में डूबा हुआ रहता है जिसके वजह से पेंट करने के बाद भी उसमें रस्टिंग जो होता है ज़्यादा होता है, रस्टिंग होते रहता है। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, तो इस कारण से हर साल जो है उसका जो पानी वाला पार्ट होता है वो उसको बदलना, उसको रिप्लेस करना आवश्यक हो जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सोच सकते हैं कि रस्टिंग के वजह से, जंग लगने की प्रक्रिया की वजह से दुनिया में कितना लॉस होता होगा, पैसे की बर्बादी होती होगी, ठीक है कितना। यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम निकेल एंड मैगनीज, इट डज नॉट रस्ट।
स्टेनलेस स्टील जो हम लोग घरों में स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं उसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। तो इसमें कुछ मेटल्स मिलाए जाते हैं विथ कार्बन, कार्बन और मेटल्स मिलाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज, इस तरह के मेटल उसमें मिलाए जाते हैं और उसको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिसके वजह से ये रस्टिंग नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है। क्लास सिक्स में आपने पढ़ा है कि नमक जो होता है वो समुद्र के पानी से वाष्पीकरण करके प्राप्त किया जाता है, उसको भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है और वो वाटर जो है उसमें नमक बच जाता है, तो नमक उस तरह से प्राप्त किया जाता है। ये नमक शुद्ध नहीं होता, ऑब्टेन इन मैनर इज नॉट प्योर, ये शुद्ध नमक नहीं होता है। द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और इसको इसमें हम क्रिस्टल्स हमें दिखाई नहीं देंगे, क्लियरली नहीं दिखाई देंगे। हावर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी, तो ये क्रिस्टल्स देखने के लिए जिस चीज़ का हम क्रिस्टल्स देखना चाहते हैं उसी का प्योर सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ आगे बताया गया है, देखिए यहाँ पे फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन, उसके प्योर सोल्यूशन से ही उसका क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, यह एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। इस एक्टिविटी में कह रहा है टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, शिक्षक की उपस्थिति में ही इस एक्टिविटी को करना है। सबसे पहले यहाँ सावधानी लिखा हुआ है, यूज ओनली डायल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब है कि उसको डायल्यूट, मतलब डायरेक्ट जो होता है वो तो एसिड खतरनाक हो सकता है, इसीलिए डायल्यूट ही रहता है, जो भी लैब में यूज होता है वो डायल्यूट रहता है। फिर भी आपको सावधानी रखना है, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर, जब पानी उबल रहा हो तो आपको सावधान रहना। यहाँ पे पानी उबालने की एक एक्टिविटी दिया गया है, टेक ए कप ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे एक बीकर लेना है, उसमें एक कप पानी डाल देना है उसमें, और फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ बूंद डालना है। हीट द वाटर, पानी को गर्म करना, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूअसली, जब पानी उबलने लगे तो कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है उसमें डालना है, ठीक है, और उसको चम्मच से हिलाते रहना है, स्टिरिंग मतलब घोलना है उसको कंटिन्यूअसली लगातार, फिर कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, अब इतना उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है कि अब उसमें घुलने ना लगे उतना डालना है। उसके बाद जो फिल्टर द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को फिल्टर छान लेते हैं, अलाउ इट टू कूल, और उसको ठंडा होने देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, जब वो ठंडा हो रहा हो तो बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना, हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं, उसको चुपचाप छोड़ देना। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद जब वो ठंडा हो जाए फिर उसको देखना है, ठीक है, फिर उसको देखना है उसमें क्या क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल उसमें दिखाई देता है, इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, उसको पूरा ठंडा होने देते हैं, पूरा ठंडा होने के बाद जो है आपको क्रिस्टल्स दिखाई देने लगेंगे। देखिए यहाँ पे जो है क्रिस्टल्स दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्रिस्टल्स है कॉपर सल्फेट का। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो आपने इस चैप्टर में सीखा फिजिकल भौतिक बदलाव, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंज, तो आप अपने आसपास में देखिए जो भी बदलाव होते हैं वो बदलाव जो है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। जब कोई वस्तु न्यू बनता है रिएक्शन के बाद तो जो है केमिकल चेंज होता है, और वस्तु का गुण जब फिजिकल गुण उसका मौजूद रहता है, उसमें जो चीज़ है वही चीज़ रहता है, गुण उसका मौजूद रहता है तो वो फिजिकल चेंज होता है। तो इस तरह से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को हम समझ सकते हैं। आगे यहाँ पे कीवर्ड्स दिया हुआ है, कीवर्ड्स ज़्यादा नहीं है, इसमें 6 कीवर्ड्स है, मैं आपको इसका डिफिनेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इसमें आगे ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन पेज पे हैं और यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिफाई करना है इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोटोसाइंथेसिस जो पेड़ पौधों का खाना बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोलने की प्रक्रिया क्या है, फिजिकल चेंज है, चीनी उसमें से फिर से प्राप्त किया जा सकता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोई भी चीज़ जलने वाला जो चीज़ है
जो जलता है वो केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, गलने की प्रक्रिया, तो ये फिजिकल चेंज है। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉल, ये एल्युमिनियम का गुण तो उसमें रहेगा ही, इसीलिए वो फिजिकल चेंज है। डाइजेस्टिव ऑफ फूड केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर टू, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे। कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इन ए केमिकल चेंज, लकड़ी के टुकड़े को काट देना, उसके शेप में बदलाव आ जाता है, उसके साइज में बदलाव आ जाता है, लेकिन वो क्या है? ट्रू फॉल्स, तो वो केमिकल चेंज बतला रहा है, केमिकल चेंज नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है फॉल्स है ये। फॉर्मेशन ऑफ, बी नंबर में दिया हुआ है, मैच्योर मैन्योर फ्रॉम लिप्स इज ए फिजिकल चेंज, पत्तियों से जो है वो खाद बनाया जाता है, तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? ट्रू फॉल्स, फिजिकल चेंज बतला रहा है कि फिजिकल चेंज है, तो बिल्कुल भी ये फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए, फॉल्स, फॉल्स है ये, फिजिकल चेंज नहीं है, क्योंकि वो सड़ने के बाद जो है सड़ जाता है, वो कुछ दूसरा चीज़ बन जाता है, वो पत्ता नहीं रहता वो। आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजली, तो आसानी से उसमें जंग नहीं लगता, ये सही है या गलत है? लोहे में अगर जिंक कोटेड कर दिया जाए तो उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है, तो ये ट्रू होगा, पे ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, तो बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है, डी नंबर में फॉल्स दिया हुआ है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज, तो ये सही कह रहा है, केमिकल चेंज नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि वो उसका स्टेट चेंज हुआ है, अवस्था चेंज हुआ है, उसका गुण चेंज नहीं हुआ है। आगे यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, क्या हो जाएगा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया जाता है तो इसका कलर जो है दूधिया कलर का हो जाता है, क्योंकि क्योंकि ड्यू टू के कारण, किसके कारण? कार्बन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, आगे यहाँ पे द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम तो वहाँ पे चैप्टर में आप लोग को दिया गया था, फिर इसको दोबारा पढ़ के याद कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का ये केमिकल नेम है। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर, यहाँ पे पेंट हो सकता है या ग्रीसिंग, ये पेंट या फिर कोटिंग जिंक, क्या दिया हुआ है? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कोटिंग जो होता है, जो जिंक चढ़ाया जाता है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और या फिर पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं उस पर। चेंज इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, चेंज इन विच ओनली, इसमें कई तरह की चीज़ हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कलर हो सकता है, क्या दिया हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, यहाँ दिया हुआ है। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, ये किस तरह का बदलाव है? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, किस तरह का बदलाव है? सेंटेंस इसमें काफ़ी लॉन्ग है जिसकी वजह से ये काफ़ी छोटा हो रहा है। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लेमन जूस सिट्रिक एसिड बबल्स आर फॉर्म्ड, वहाँ पे जो बुक में हम लोग पढ़े लेमन जूस के जगह पे सिरका विनेगर था, द बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज केमिकल चेंज, यह एक केमिकल चेंज है। दिस इन दिस चेंज सिट्रिक एसिड कॉन्टेंट्स इन लेमन जूस रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये खाने का सोडा जो है वो है, विच रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जिसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। लेमन जूस सिट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पे बना कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस, वहाँ पे इस तरह का ये रिएक्शन दिया हुआ था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए कैंडल बर्न्स, जब एक कैंडल बर्न्स होता है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, आइडेंटिफाई दिस चेंजेस, गिव अनदर एग्जांपल्स ऑफ ए फैमिलियर प्रोसेस इन दिस इन विच बोथ आर केमिकल
एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। जब एक मोमबत्ती जलती है तो उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होता है, इसको बतलाना है। ठीक है, आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। फिजिकल चेंज में क्या था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। केमिकल चेंज में बर्निंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स गलता है तो वो फिजिकल चेंज है, और जो वैक्स जल जाता है वो केमिकल चेंज है। ईटिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑक्यूर सिमिटनेसली। यहाँ पे भोजन जो है वो केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज है। किस तरह का फिजिकल चेंज किया, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इन स्मॉलर पार्टिकल्स। तो बड़े टुकड़े में टूट जाता है वो फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज किया, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना जो है डाइजेशन केमिकल चेंज होता है। आगे यहाँ पे 6 नंबर, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। क्या आप कैसे बता सकते हैं या दिखा सकते हैं कि दूध से दही का बनना जो है एक केमिकल चेंज है। वंस द कर्ड इज फॉर्म्ड, एक बार जब दूध दही बन जाता है, मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन फ्रॉम इट, तो फिर हम वापस दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते। ऑल्सो बोथ मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो दोनों में अलग अलग गुण होते हैं, दूध का गुण अलग होता है और कर्ड दही का गुण अलग होता है। सिंस दिस आर द, इस तरह से ये प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो रहता है, गुण जो रहता है वो केमिकल चेंज होता है। सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज, तो इसका गुण जो होता है, पहले का गुण दूध वाला जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं होता है, टोटल बदल जाता है, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इंटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। लकड़ी का जलाना, ठीक है, लकड़ी का जलना या फिर उसको काट के टुकड़े कर देना, ये दोनों ही डिफरेंट टाइप के चेंज हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना है। व्हेन वी बर्न वुड ए न्यू सब्सटेंस कॉल इज फॉर्म्ड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें नया सब्सटेंस बनता है, कोई भी चीज़ जलने के बाद जो है न्यू सब्सटेंस बनता है, और जलने की प्रक्रिया जो है वो केमिकल चेंज होता है, उससे कोल बनता है, लकड़ी का कोयला बन जाता है या फिर एस बन जाता है। देयर फोर इट इज़ ए केमिकल चेंज, इसलिए ये एक रासायनिक बदलाव है। हाउएवर व्हेन वी कट वुड ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द वुड आर चेंज्ड, और जब हम लकड़ी को काट कर छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो सिर्फ उसके साइज और आकृति में बदलाव आता है, लेकिन लकड़ी का गुण जो है उसमें अभी भी मौजूद रहता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया कोई भी वस्तु नहीं बनता उसमें। देयर फोर इट इज ए फिजिकल चेंज, इसीलिए यह एक फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में जो है क्रिस्टलाइजेशन में कॉपर सल्फेट का ही क्रिस्टल बनाकर दिखाया गया। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम बना सकते हैं। द प्रोसेस इज एज फॉलो, इस प्रक्रिया को इस तरह से हम लेंगे। एक कप फुल ऑफ वाटर इज टेकन इन ए, तो एक कप पानी हम ले लेंगे, टेकन ए बीकर में हम एक कप पानी ले लेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू दिस, और कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड का हम इसमें डालेंगे। द वाटर इज देन हीटेड एंड व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, और वो पानी को गर्म करेंगे, जब वो खोलने लगेगा कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड विथ स्ट्रिंग, और कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है उस पर एड करेंगे और उसको घोलते रहेंगे। कॉपर सल्फेट पाउडर शुड बी एडेड ऑन टिल द सोल्यूशन बिकम्स, तब तक हम कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें डालते रहेंगे जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए। बिकम्स सेचुरेटेड, मतलब अब वो घुलने नहीं लगा। इट इज देन फिल्टर इनटू, अब जो है उसको फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करके हम उस वाटर को, उस सॉल्यूशन को रख देंगे चैनाडिस या इस तरह के कोई बीकर में हम रख देंगे। एंड अलाउड टू कूल, और उसको ठंडा होने देंगे। द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, सॉल्यूशन को किसी भी तरह से हिलडुल नहीं करेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। स्लोली द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट, और धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे ठंडा होगा तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। इस तरह से हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग और एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग,
ये लोहे का जो गेट है उसको हम रस्टिंग से पेंट करके कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर वाटर एंड एयर। तो रस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो दोनों में चलता है, या तो मॉइस्चर हो या फिर ऑक्सीजन हो, ये दोनों मौजूद हो तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये दोनों ही मौजूद होते हैं, इसीलिए रस्टिंग की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। बाय पेंटिंग एन आयरन गेट, तो पेंटिंग के द्वारा आयरन गेट को भी प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एयर एंड मॉइस्चर। तो पेंट करने के बाद जो है ये एयर के और पानी के कॉन्टैक्ट में, एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता, जिसके कारण प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है और उसके कॉन्टैक्ट में ये नहीं आ पाता है आयरन, तो हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, और इस प्रकार से जो है रस्टिंग रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एनोरबेरिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज ए। दिस बायोगैस इज टर्न बर्न एज फ्यूल, और ये बायोगैस जो है फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंज, चूज द करेक्ट वन। क्या होगा इसमें, ए जो है, ए इस चेंज को क्या कहेंगे, इस केमिकल चेंज, बी को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है बोथ, इसमें से एक सही है, ठीक है, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, ए और बी दोनों बदलाव जो है वो केमिकल चेंज है। और यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इसमें हो चुका है, और जो कीवर्ड्स दिया हुआ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।